हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम है, उसमें तीन स्टेजेस होती है। फर्स्ट है इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और थर्ड है आउटपुट स्टेज। ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से है, जिसमें यहाँ पे टोटल 6 ब्लॉक यूज किए हैं। फर्स्ट 2 ब्लॉक्स है जो इनपुट स्टेज में आते हैं, जिसमें है कांस्टेंट करंट सोर्स और फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फिर सेकंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इमीटर फॉलोअर और डीसी लेवल शिफ्टर है, जो कि इंटरमीडिएट स्टेज में आते हैं। और लास्ट है आउटपुट स्टेज, जिसमें एक आउटपुट स्टेज का ब्लॉक है। यहाँ पे हम माइनस और प्लस, यानी कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स देते हैं। अब हम हर एक ब्लॉक का फंक्शन क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, उसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब ये किस तरह से लगाया होता है, तो ये है उसके डायग्राम, जिसमें हम दो ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, जो कि इनपुट्स है यहाँ पे वी इन और प्लस और माइनस, और दो आउटपुट्स होते हैं जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक आउटपुट प्लस है, दूसरा माइनस है। इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स के। अब यहाँ पे देखो, डबल एंडेड इनपुट, डबल एंडेड आउटपुट, या फिर डबल एंडेड इनपुट, बैलेंस्ड एंडेड आउटपुट, इस तरह के दो नाम इस फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर को दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो इनपुट्स है और दो आउटपुट्स है। यहाँ पे कांस्टेंट करंट सोर्स प्रोवाइड किया है फॉर गिविंग कांस्टेंट करंट टू दिस एम्पलीफायर। और ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ब्लॉक है, वो हमें हाई CMRR और हाई इनपुट इम्पीडेंस देता है। CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो इस तरह से हमें फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर से आउटपुट एम्पलीफाइड करके मिलता है, जो कि हम सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर को देते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस तरह से वर्क करता है। तो सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो इनपुट्स है, बट आउटपुट में एक ही आउटपुट है, जो कि हम नेक्स्ट ब्लॉक को दे रहे हैं, और दूसरा आउटपुट जो है वो ग्राउंड किया है। इसीलिए इसे डबल एंडेड इनपुट, सिंगल एंडेड आउटपुट, या फिर डबल एंडेड इनपुट, अनबैलेंस्ड एंडेड आउटपुट ऐसे कहा जाता है। इट इज यूज टू इंक्रीज द गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब जो आउटपुट हमें मिला है, उसे और एम्पलीफाई करने के लिए, उसका गेन इंक्रीज करने के लिए हम सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स हाई गेन एंड हाई CMRR। इस तरह से हमें फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट और एम्पलीफाई करके थर्ड स्टेज में हम ले जा सकते हैं यूजिंग सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब थर्ड ब्लॉक है इमीटर फॉलोअर। इमीटर फॉलोअर, इट हैविंग हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस। अब इमीटर फॉलोअर का गेन जो होता है वो यूनिटी होता है हमेशा। सो उसी वजह से इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट रहेगा, तो फिर हम इमीटर फॉलोअर यूज क्यों कर रहे हैं? तो ये हम यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोड। जो भी आउटपुट हमें सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर से मिल रहा है, उसमें ओवरलोड ना हो, और अगर ओवरलोड हो गया तो हमारा सर्किट डैमेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इमीटर फॉलोअर यूज करते हैं। नेक्स्ट है डीसी लेवल शिफ्टर। डीसी लेवल शिफ्टर वो किस लिए है? तो जब भी हम इनपुट दे रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, अगर हमने कभी सेम इनपुट दे दिया या फिर जीरो इनपुट दे दिया, तो क्या होगा, हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलता ही रहता है, तो उस आउटपुट को रिड्यूस करके जीरो, ग्राउंड लाने के लिए
हम इस डीसी लेवल शिफ्टर का यूज करते हैं और हम जो इनपुट दे रहे हैं वो ड्यूअल पावर सप्लाई यूज करते हैं, तो उस ड्यूअल पावर सप्लाई की कुछ रेंज होती है, जैसे कि प्लस माइनस 5, 12, 15 वोल्ट। उसी रेंज में इस आउटपुट को रहने के लिए हम डीसी लेवल शिफ्टर यूज करते हैं। लास्ट स्टेज है आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में पुश पुल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। उसके यूज से हम जो आउटपुट ले रहे हैं उसे एम्पलीफाई करते हैं और आउटपुट मिलता है। उसी तरह से हमें आउटपुट में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है और लो आउटपुट इम्पीडेंस भी हमें मिलता है। सो पुश पुल एम्पलीफायर हम आउटपुट स्टेज में यूज करके ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं और हमारा जो आउटपुट है वो हमें एम्पलीफाइड और विदाउट डिस्टॉर्शन मिलता है। ये थी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।